बिना परीक्षा के सभी को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी मीटिंग आप लोगों की समाप्त हो गई है। आप लोगों को मैंने सुबह ही बताया था आज मीटिंग होगी, वो मीटिंग हुई है। साक्षमता परीक्षा को लेकर फिलहाल तमाम बड़ी खबरें हैं वो आपको पहले बता दे रहे हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि साक्षमता परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ रिजल्ट का प्रारूप प्रक्रिया बनकर तैयार किया जा रहा, आदेश मिल चुका है। ठीक है, ये कहा गया कि 15-16 तारीख के आसपास आप लोगों का मार्च में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है साक्षमता परीक्षा को लेकर नॉर्मलाइजेशन देने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है जो हार्ड शिफ्ट थी, फिलहाल मीटिंग से क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। हार्ड शिफ्ट में आप सभी को नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ाने की बात कही गई, सभी को कुछ ना कुछ बोनस अंक देने की बात कही गई। बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब बात कर लेते हैं क्या सभी को बिना परीक्षक राजकर्मी का दर्जा मिले कि नहीं। तो दोस्तों मेरे प्रयास द्वारा और आपके सपोर्ट के द्वारा सरकार आयोग तक बात पहुंची और मैंने पहले बताया था मुद्दा उठेगा और प्रयास फिलहाल सभी के द्वारा किया गया है कि बिना परीक्षक राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये जितने भी नियोजित शिक्षक थे सभी क्या थे कि नियमावली के अनुसार एग्जाम क्वालिफाइड करके सक्षम थे, तभी नियोजित शिक्षक बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लगातार मांग की जा रही थी कि साक्षमता परीक्षा को अनिवार्यता समाप्ति की जाए, फिलहाल रद्द कर दिया जाए। तो फिलहाल रद्द तो नहीं की गई, परीक्षा आपकी पूरी कंडक्ट हुई 6 मार्च तक, लेकिन यहाँ पे चर्चा बन रही कि बिना परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा आप सभी को दिया जाएगा। इसके लिए अभी अभी मीटिंग रखी गई, लेकिन ओपन कोई बात नहीं कही गई। कल सुबह तक जो भी ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, और कल सुबह तक जो भी ऑफिशियल फिलहाल अपडेट दे दी जाएगी चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा।